हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज होम साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर जो आवरण टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसका प्रभाव कपड़े के बाहरी रूप पर पड़ता है? इसका उत्तर होगा तंतु, धागा, बुनाई एवं परिसज्जा का। क्वेश्चन नंबर 2, परिधान के चयन के लिए आवश्यक है? इसका उत्तर है आकर्षण, उपयुक्तता तथा कार्यक्षमता। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी डार्ट दोहरी नोकदार डार्ट है? दोहरी नोकदार डार्ट को क्या कहते हैं? फ्लैंज डार्ट या कोर डार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, तीखे रंग के कपड़े क्या दर्शाते हैं? तीखे रंग के कपड़े खुशी को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने में सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है ब्लॉकिंग, सिकुड़ना, इस्त्री करना, फिर उसको सीधा करना। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी वस्तु की त्रिमापीय नकल करना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है पोस्टर। क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्त्र की सिलाई करते समय चरणों को क्रमबद्ध लगाएं। तो जब सिलाई करते हैं तो उस किस तरह से उसका एक के बाद एक स्टेप होता है उसको बताया गया है। इसका उत्तर है शरीर का माप, पहले माप ली जाएगी, ड्राफ्ट बनाना एवं नमूना तैयार करना, आगे पीछे का भाग जोड़ना, डार्ट एवं फुलनेस लगाना, सिले हुए कपड़े की सजावट करना। क्वेश्चन नंबर 8, रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली किरणें हैं? इसका उत्तर है लाल और दृष्टिगत प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर के काल में चित्र गोपिता शब्द किस परिधान के लिए भारतीय शब्द था? इसका उत्तर है बुरका। क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न पेशों के लिए विशिष्ट वर्दी की शुरुआत भारत में किसने आरंभ किया? इसका उत्तर है ब्रिटिशों ने। क्वेश्चन नंबर 11, वस्त्रों पर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? इसका उत्तर है लखनऊ। लखनऊ जो है वो चिकनकारी के लिए फेमस शहर है। क्वेश्चन नंबर 12, बूटेदार चोली कहाँ का प्रसिद्ध परिधान है? इसका उत्तर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, जिस रंग योजना में उन रंगों का प्रयोग किया गया हो जो रंग चक्र में परस्पर विपरीत हो क्या कहलाता है? इसका उत्तर है संपूरक रंग योजना। क्वेश्चन नंबर 14, ठंडे रंग कौन से होते हैं? ठंडे रंग होते हैं नीला, हरा और बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 15, ड्राफ्टिंग के मूल रूप से कितने भाग होते हैं? इसका उत्तर है 5। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तेजक रेखाएं कौन सी होती हैं? इसका उत्तर है वक्र रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी रेखाएं गंभीर प्रवृत्ति का आभास देती हैं? इसका उत्तर है तिरछी रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंध के परिधान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है संदालिन। सिंध के परिधान को संदालिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कालीकट के परिधान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है कैलिको। क्वेश्चन नंबर 20, बनारस तथा सूरत में किस तरह के परिधान होते हैं? तो वहां पे किस तरह के परिधान फेमस होते हैं? ब्रोकेड। क्वेश्चन नंबर 21, ढाका का क्षेत्रीय परिधान कौन सा है? इसका उत्तर है पश्मीना। क्वेश्चन नंबर 22, पटोला तथा बांधनी वस्त्र कहाँ का परिधान है? इसका उत्तर है गुजरात। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 23, कश्मीर की कौन सी कढ़ाई प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑक्सी या शीशे की। क्वेश्चन नंबर 24, पंजाब में कौन सी कढ़ाई की जाती है? पंजाब में की जाने वाली कढ़ाई का नाम है फुलकारी। क्वेश्चन नंबर 25, काठियावाड़ तथा कच्छ में किस प्रकार की कढ़ाई होती है? इसका उत्तर है कच्छ तथा सिंध की कढ़ाई का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 26, कर्नाटक में किस प्रकार की कढ़ाई की जाती है? कर्नाटक में की जाने वाली कढ़ाई का नाम होता है कसूती। क्वेश्चन नंबर 21, मद्रास में किस प्रकार की कढ़ाई प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है एंग्लो इंडियन एम्ब्रॉयडरी। क्वेश्चन नंबर 22, पैठरी साड़ी कहाँ पर प्रसिद्ध है? पैठरी साड़ी हैदराबाद में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार की कढ़ाई का क्या नाम है? बिहार की कढ़ाई का नाम है सुजनी, उसे मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, आवरण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? आवरण के सिद्धांत होते हैं संतुलन, अनुपात, लय, अनुरूपता। क्वेश्चन नंबर 25, वक्त, कम्फाब, आवेव, रवा किसके प्रकार थे? ये सब ब्रोकेट के प्रकार थे, तो इसका उत्तर होगा ब्रोकेट। क्वेश्चन नंबर 23, पहनावे का मूल कार्य क्या है? पहनावे का मूल कार्य है व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 27, छोटे बच्चों के लिए किस प्रकार के वस्त्र उत्तम रहते हैं? इसका उत्तर है लेस और झालर वाले कपड़े। क्वेश्चन नंबर 28, बालूचर से बनी साड़ियों का निर्माण किससे होता था? इसका उत्तर है हथकरघों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल काल के परिधान का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ा? इसका उत्तर है दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 30, मैकेनिक द्वारा पहनने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? जो मैकेनिक वस्त्र पहनते हैं उसको कहते हैं बॉयलर सूट। क्वेश्चन नंबर 31, किसका प्रभाव कपड़े के बाहरी रूप पर पड़ता है? इसका उत्तर है तंतु, धागा, बुनाई एवं परिसज्जा का। क्वेश्चन नंबर 32, वस्त्रों की सुंदरता ऐतिहासिक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है टोरा का। क्वेश्चन नंबर 33, सिलाई मशीन का सही थ्रेडिंग अनुक्रम बताइए। इसका सही थ्रेडिंग अनुक्रम है धागा उठाने वाला लीवर, पहले लीवर उठाया जाता है, उसके बाद सुई, फिर फिरकी, फिर टेंशन डिस्क। क्वेश्चन नंबर 34, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है और जिसमें पहले आप बनाइए सूची 1 और फिर सूची 2, उसमें जो जो मैं बोलती जा रही हूँ उसे आप लिखते जाइए। सूची 1 और सूची 2, फिर नीड्स, ताना बाना, वोबनस, जाल संरचना, फेल्ट, खुला काम, लेस, वेलस व कोर्सी। क्वेश्चन नंबर 35, डिजाइन के कितने मूल तत्व होते हैं? इसका उत्तर है 6 मूल तत्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वे हैं रंग, रेखा, आकार, प्रकाश, पैटर्न और विन्यास। क्वेश्चन नंबर 36, पीला रंग किस प्रकार का प्रभाव दर्शाता है? इसका उत्तर है उष्ण, उज्जवल, चमकदार, प्रसन्न करने वाला। क्वेश्चन नंबर 37, लाल रंग किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है? लाल रंग उष्ण, उत्तेजक, आनंददायक, साहसी व बलशाली। क्वेश्चन नंबर 38, संतरी या ऑरेंज कलर किस प्रकार का प्रभाव दर्शाता है? इसका उत्तर है सजीव, आनंददायक, प्रोत्साहित करने वाला और उष्ण। क्वेश्चन नंबर 39, हरा रंग किस प्रभाव को बताता है? इसका उत्तर है शीतल, शांत, नीरव, आरामदायक, ताजगी देने वाला। क्वेश्चन नंबर 40,
नीला रंग किस प्रभाव को बताता है? इसका उत्तर है सब रंगों में ठंडा, शांत और शांति में। क्वेश्चन नंबर 41, बैंगनी रंग किस प्रभाव को बताता है? इसका उत्तर है राजकीय, प्रतिष्ठित, रहस्यमय, रिच रॉयल, डिग्निफाई, एरिगमेटिक। क्वेश्चन नंबर 42, सफेद रंग के वस्त्र गर्मी में क्यों पहनना चाहिए? क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये हल्के होते हैं और ठंडे होने का एहसास थोड़ा दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, काला रंग क्या दर्शाता है? काला रंग उष्ण, मृतक और कब्र, यहाँ पे ये पहना जाता है क्योंकि ये शोक वाला रंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44, ह्यू से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है रंगत या छवि। क्वेश्चन नंबर 45, मूल्य से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है रंगों का हल्कापन या गाढ़ापन। तो हल्का या गाढ़ापन अगर एग्जाम में लिखा रहेगा तो उसका उत्तर मूल्य होगा, या मूल्य लिखा रहेगा तो उसका उत्तर होगा हल्कापन या गाढ़ापन। तो हल्के में सफेद रंग का भाव होता है, गहरे में काले रंग का। हल्की छवि सफेद रंग से पता चलती है, इसका उदाहरण है जैसे लाल और सफेद को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग निकल के आता है? गुलाबी रंग निकल के आता है। तो गुलाबी रंग जो निकल के आया तो उसे हम रंगों की टिंट कहलाती है, तो इस ऐसे रंगों को टिंट कहा जाता है। 46, क्वेश्चन नंबर 46, रंगों में तीव्रता से क्या समझते हैं? रंगों में तीव्रता से रंग घनत्व या इंटेंसिटी, जो कि प्रकाश के रंगों में मुख्यता होती है। इसे रंग घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसका चमकीलापन या फीकापन इसी की शक्ति और कमजोरी से भी संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 47, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं लाल, पीला और नीला। प्रारंभिक रंग है जिसको मिलाएं, किसी भी रंग के मिलाने से नहीं प्राप्त किया सकता है। तो जो ये वाले रंग होते हैं अगर किसी और के संग मिलाएंगे तो नहीं प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 48, अनुपूरक रंग किसे कहते हैं? इसका उत्तर है मिलाने के दौरान प्राप्त रंग को अनुपूरक रंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आदर्श रंग कितने होते हैं? इसका उत्तर है प्राथमिक तथा अनुपूरक रंग को मिलाने के दौरान 6 आदर्श रंग प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में उभारों, ढलाओं और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे तो जो ऑप्शन सही होगा उसमें आप टिक करेंगे। हेमिंग, डार्ट, पाइपिंग, असम के कच्चे टाके। तो इन चारों में जो उत्तर होगा वो क्या होगा? सही उत्तर डार्ट होगा। मैंने आपको यहाँ पे कुछ होम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। मुझे उम्मीद है ये आपके एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।